सो गाइज जैसा कि अभी आप लोग देख पा रहे हो कि हम अपने मोबाइल के स्क्रीन पे आ चुके हैं। गाइज हम आपको जो भी स्टेप बाई स्टेप बता रहे हैं आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए एंड आप अपनी फोटो का बैकग्राउंड कलर चेंज इजीली चेंज कर पाएंगे, वो भी बहुत ही सिंपल सी स्टेप्स में। तो सबसे पहले आपको पिक्सार्ट ऐप के अंदर अपनी फोटो को ऐड करना होगा। गाइज एग्जाम्पल के लिए हमने इस फोटो को ऐड कर लिया है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि बैकग्राउंड में कुछ इस तरीके का जो है मतलब ये ग्रीन ग्रीन कलर है, ठीक है, मतलब कि आपके भी बैकग्राउंड में कुछ ऐसा होना चाहिए, पेड़ पौधे होने चाहिए, तभी आप इस एडिटिंग को कर पाओगे। तो इस वीडियो को गाइज ध्यान से पूरा देखना एंड आप अपनी फोटो को क्लिक करा लेना कुछ ऐसे ही जगह पे, ठीक है। तो यहाँ पे पिक्सार्ट ऐप के अंदर अपनी फोटो को ऐड करने के बाद सबसे पहले आपको एफएक्स पे क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ से एफएक्स पे क्लिक करने के बाद गाइज आप यहाँ एफएक्स के टूल पे रहोगे, यहाँ पे आपको बहुत सारे इफेक्ट्स मिल जाएंगे। तो आपको यहाँ से इफेक्ट्स की कैटेगरी बनी हुई है, आपको सबसे लास्ट में जाना है। यहाँ पे आपको एक कलर्स का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर देना है एंड इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपको एक कलर रिप्लेस का भी ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। कलर रिप्लेस पे क्लिक कर लेना है एंड इस पर क्लिक करने के बाद गाइस जहाँ आपको एक प्लस का आइकॉन दिख रहा होगा इस पर क्लिक कर लेना है एंड यहाँ पे इसको ड्रैग करके मतलब कुछ इस तरीके से खींच कर लाना है एंड अपनी बैकग्राउंड के किसी एक जगह पे रख देना है। याद रहेगा जब मैंने बोला कि बैकग्राउंड में पेड़ पौधे होने चाहिए, ताकि पेड़ पौधे अगर होंगे तो ग्रीन कलर के, अगर ऐसे होंगे ग्रीन या येलो थोड़ा टाइप के होंगे तो भी चलेगा, क्योंकि वो सारे एक ही कलर के होते हैं। तो इस पर हम रख देंगे एंड इस पर रखने के बाद आप लोग देख पा रहे बैकग्राउंड का कलर चेंज हो गया ईजिली। एंड जैसे इसको हम यहाँ पर लेफ्ट राइट करें वैसे यहाँ पे बैकग्राउंड का कलर इजीली यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो गाइस बहुत सिंपल है, जैसे कि हमें ये वाला बैकग्राउंड अगर रखना हो तो हम यहाँ पे ये वाला कलर पे लाकर रख देंगे, ठीक है। तो ये वाला बैकग्राउंड हमें गाइस मिल जाएगा। आप लोग देख पा रहे हो कि इसकी अमाउंट को हम यहाँ पे रखे हैं 196, ठीक है। तो रिप्लेस ह्यू को अगर आप 196 कर दोगे तो ये आपको मिल जाएगा, थोड़ा सा एक दो इधर उधर रहेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से गाइज यहाँ पे आपको इतना काम कर लेना है एंड इतना हो जाने के बाद यहाँ से आपको मर्ज कर लेना है, ठीक है। तो हम यहाँ से इसको मर्ज कर लेते हैं एंड आपको बस बहुत सिंपल सा ही काम करना है एंड उसके बाद यहाँ पे आपको एक सेचुरेशन का ऑप्शन मिल जाएगा कलर्स वाले ऑप्शन के ही अंदर। तो यहाँ सेचुरेशन पे क्लिक कर देंगे एंड इस पर क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ से इरेजर को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो हम इरेजर पे क्लिक कर देते हैं एंड इरेजर पे क्लिक करने के बाद यहाँ इरेज लिखा हुआ है, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो इरेज पे क्लिक कर देने के बाद कुछ इस तरीके से अपनी फोटो को जूम करना है एंड अपनी फेस एंड हैंड से आपको इरेज कर देना है, ठीक है। क्योंकि अगर सेचुरेशन का इफेक्ट आपके फेस पे ज़्यादा हो जाए या सेचुरेशन का इफेक्ट आपके हैंड पे लेग पे ज़्यादा हो जाए तो वो सारा रेड रेड कलर का दिखने लगेगा, जैसे कि अभी आप लोग देख पा रहे हो कि हैंड कितना ज़्यादा रेड दिख रहा है एंड कुछ इस तरीके से गाइज आपको इरेज कर लेना है, जैसे कि मैं यहाँ पर कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से गाइज अपने फेस से अपने हैंड से लेग से इरेज कर लेना है। इरेज कर लेने के बाद सिंपली आपको डन कर लेना है। अब आप लोग देख पाओगे गाइस कि बिफोर में फोटो ऐसी थी एंड आफ्टर में ऐसी फोटो हो गई, ठीक है। अब टूल्स पे आपको क्लिक करना है, यहाँ से चलना है एडजस्ट में एंड यहाँ से इसकी सेचुरेशन को कम कर लेना है, ठीक है। सेचुरेशन को कम कर लेने के बाद गाइस यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा इरेजर का, तो इस पर क्लिक करना है इरेजर बटन पर एंड इस पर क्लिक कर देने के बाद गाइस यहाँ से आपको सिंपली यहाँ से इन्वर्ट का एक ऑप्शन मिल जाएगा, लास्ट में इन्वर्ट पर क्लिक करना है एंड कुछ इस तरीके से अपनी फोटो को जूम करना है और सिर्फ इसको फेस पर ही अप्लाई करना है। तो फेस पे हैंड पे आप लेग पे अप्लाई कर सकते हो, बिकॉज ये सारे यहाँ पे आपका स्किन जो है दिख रहा है, तो इस पर अगर आप अप्लाई कर दोगे तो ये सारा रेड रेड खत्म हो जाएगा और ये अनसेचुरेटेड हो जाएगा, जिसके कारण आपकी फ़ोटो बहुत ही हाई क्वालिटी की लगेगी एंड आपकी फ़ोटो बहुत ही मस्त एडिट हो जाएगी, ठीक है। इतना हो जाने के बाद गाइस यहाँ से आपको डन करना है एंड अगर आप इसकी अमाउंट को घटाया बढ़ा कर देखना चाहते हो तो आप वो भी ईजिली कर सकते हो। इसको आपको ऊपर या नीचे करना है, तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि इतना सही लग रहा है तो इसको मैं डन कर लेता हूँ। अब आप लोग देख पाओगे इसकी ये रही बिफोर एंड ये रही आफ्टर की पिक। तो कुछ इस तरीके से आपको एडिट करना है, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। अगर आप लाइटरूम प्रीसेट के जरिए एडिट करना चाहते हो तो मैंने बहुत सारे लाइटरूम प्रीसेट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हो एंड अपनी फोटो को एडिट कर सकते हो, ठीक है। तो डाउनलोड कीजिए एंड एडिट कीजिए एंड गाइस यहाँ से इसको हम ड्रॉ टूल के अंदर चल के इस फोटो को सेव कर लेते हैं। बहुत सिंपल है, यहाँ से ड्रॉ टूल में आएंगे एंड इस फोटो को गाइस जब हम सेव कर लेते हैं तो गाइस यहाँ आपको एक थ्री डॉट का आइकॉन मिल जाएगा, देख लीजिए यहाँ पे, इस पर क्लिक करना है एंड इस पर क्लिक करने के बाद ये सेव इमेज का एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा ये, तो आपको इस सेव इमेज पे क्लिक कर देना है ऑप्शन पे, यहाँ से आपकी फोटो आपकी गैलरी में इजीली सेव हो जाएगी। तो गाइस बहुत सिंपल है, आई होप गाइस ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल पर नए हैं आगे से वीडियोज और देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन रखिए। तो गाइस फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।